सरकार एक आदेश लेके आई है, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये आदेश आया। 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के सालों बाद भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया। अब सरकार ने ये जो प्रतिबंध लगाया, हमारा संगठन जो है हमेशा से इस बात का हिमाती रहा कि ये जो कीटनाशक हैं ये ना मनुष्य की सेहत के लिए उपयुक्त हैं और ना जमीन की सेहत के लिए उपयुक्त हैं, ना पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं। हम तो बिल्कुल कीटनाशक मुक्त खेती की बात के हिमाती रहे हैं। तो सरकार का कम से कम एक रुख बना, उन्होंने एक आधा अधूरा आदेश ये लेके आए हैं, तो हमारा तो इसमें केवल इतना मात्र सोच है कि कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान दिया इस पे। बाकी जहां तक इस आदेश की बात करें, इसमें कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो सरकार प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं कंपनियों को ये कह रही है कि आप अपना पक्ष रखें, अगर आपका पक्ष मजबूत होगा, लॉजिकल होगा, तो इस पे पुनर्विचार किया जाएगा। तो सरकारी कन्फ्यूज्ड है, सरकारी इसमें स्पष्ट नहीं है कि वो इसको ये जो प्रतिबंध लगा रही है ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या कहा जा सकता है अभी इसके बारे में? देखिए, बहुत ही सिंपल, खेती हिंदुस्तान में नई नहीं है। हिंदुस्तान के किसान का जो कृषि पद्धति है दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। पेस्ट पहले भी थे, पेस्ट को कंट्रोल करना किसान जानता भी था। जब से ये कीटनाशक का दौर आया, लोग जो अपनी पारंपरिक जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, उसको भूल गए। तब कुल इस पे ये जहर के ऊपर जो जहर युक्त खेती शुरू कर दी पिछले लगातार 50 साल से, ये इस तरह की खेती की जा रही है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां, दूसरी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर के पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं हम, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं और सॉयल हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं, जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। तो मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि बहुत अच्छा है ये प्रतिबंध हो जाए, ईश्वर करे, और अपने पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करके वो जो हमारी पूर्वजों की पद्धति थी उसी के माध्यम से अपनी खेती को, स्वस्थ खेती को अपनाए। देखिए, किसानों को निश्चित तौर पर ये प्रतिबंध लगा, अगर लगे वास्तविकता में, वैसे तो मुझे आशंका है सरकार का, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। सरकार ने एक ही आदेश में दोनों बात कही है, प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है और पुनर्विचार की भी बात की है। लेकिन किसानों को अगर ये प्रतिबंध वास्तविकता में लग जाते हैं तो किसान सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो किसान होता। जब वो कीटनाशक का छिड़काव करता है तो उसकी जमीन की हेल्थ के साथ साथ उसकी अपनी सेहत भी खराब होती है, वो भी अपनी जान भी जोखिम में डालता है। तो किसान बचेगा उससे, उसकी जमीन भी बचेगी, उसका स्वास्थ्य भी बचेगा। सरकार से कहना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें। ये जो किंतु परंतु की भाषा का इस्तेमाल है, एक तरफ तो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट होके। और केवल 27 कीटनाशकों पे नहीं, जो 287 लाइसेंस हैं, जो 287 तरह के कीटनाशक भारत का किसान उपयोग में ला रहा है, सरकार ने जिनको लाइसेंस दे रखे, तमाम को बंद किया जाए और हमारे जो पारंपरिक जो तरीके थे उनको दोबारा से मजबूत किया जाए। वो नॉलेज जो किसान से लुप्त हो गई है उसे पुनर्जीवित करके किसान को प्रवोक किया जाए कि वो अपनी पुरातन पद्धति से ही इस कीट कंट्रोल, कीटनाशक को कंट्रोल करे। ये मेरा संदेश है सरकार को और ये मेरा संदेश है किसान को।